वीडियो के साथ आज मैं स्केटिंग करते हुए यहाँ से जा रहा हूँ पड़ी की तरफ। वहाँ हमारे कोई फॉर्मर प्लेयर्स आ रहे हैं उनका वेलकम करने के लिए, तो वहाँ से फिर मैं स्केटिंग करते हुए वहाँ से वापस जीताऊँगा। मैं ये स्केटिंग करते हुए इस टाइम मिनोर के मुकाम पे पहुंच चुका हूँ। यहाँ से मैं जा रहा हूँ आगे पड़ी की तरफ, तो ज़्यादा वीडियो नहीं बना सका अभी, बाद में जाके बनाऊँगा मज़ीद वीडियो। तो काफ़ी टाइम में लेट हमने पहुँचने से माउंटेन मार्शल आर्ट एकेडमी की तरफ से यहाँ आए हैं, तो हम यहाँ मैडम का वेलकम करने के लिए आए हैं। तो उनके आने से ये होगा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स को और ज़्यादा आगे हम लेके जा सकेंगे। नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे प्लेयर जाएंगे और इससे हमारे मतलब जो प्लेयर्स हैं वो अच्छे प्लेटफॉर्म में खेलेंगे तो और वो आगे निकलेंगे। तो यहाँ से मैं गिलगित से अपने हमारे कोच हैं सुहेल भाई, इनके हमारा हम आएँ और मैं वहाँ से स्केटिंग करके यहाँ आया हूँ ताकि उनके भी हम हौसला अफजाई कर सकें, क्योंकि वो एक फीमेल होने के नाते वो पाकिस्तान से साइकिलिंग करके आज पाँचवा दिन है वो अभी गिलगित पहुँच रही है। तो हमने भी सोचा कि हम उनको आके वेलकम करें। Ambassador for the International Judo Federation, and I'm doing a bicycle ride from Islamabad all the way through Karakoram to K2, and then I want to climb it. International judo ke player hai aur wo itni mehnat karke hamare liye ek bahar se Pakistan aayi hai, Pakistan se fir wo cycling karke aaj panchwa din hai wo cycling karke aa rahi hai, to humne socha unke bhi hausla afzai kare bal ke liye hum aaye hain। इससे हमारे इलाके में ओवरऑल स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए, बिलखसूस मार्शल आर्ट्स में फिर जूडो की प्रमोशन के लिए इंशाल्लाह बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। मैम सबरीना को यहाँ वेलकम करने हम गिलगित से पड़ी बांग्ला में आए हैं, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक क्लब मौजूद है। सोचा था मैं खुद भी जाऊं साइकिल लेके, लेकिन मसला ये हुआ मेरी साइकिल का जो टायर पंचर हो गया और ये गिलगित में मिलता भी नहीं है, टायर ख़राब हो गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ, तो उसके बाद जा रहे हैं और साथ आगे फिर देखते हैं। ये पीछे गाड़ी है इनमें, इनकी सिक्योरिटी और साथ इनके जो ऑफिशियल और ट्रांसलेटर्स हैं वो इनमें आए हुए पीछे गाड़ी में, तो डिपी साहब को दिखाते हैं आगे जाके। ये हमारे साथ आ रही है पीछे से, मेन के अंदर वेट कर रहा हूँ तो काफ़ी थका हूँ। ये पीछे से आ रही है मैडम इस टाइम, भाई लोग भाई तो खा रहा हूँ पीछे से आई हुई इस टाइम। देखिए उनके हौसले को देखिए आप लोग मैडम, तो ये पीछे गाड़ी आ रही। चलो सुहेल भाई काफ़ी इनकी जो मेहनत है जो हमारे साथ जो आ रही है इस टाइम मैडम का, तो काफ़ी मतलब मैं इंस्पायर हो गया उनसे और ये इस्लामाबाद से आई हैं। तो हमारे यहाँ भी चाहिए कि मतलब बाहर निकले खेलें अच्छे तरीके से और मुल्क का और गिलगित बल्तिस्तान का नाम रोशन करें, ठीक है ना। वो तो भेज दें उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है।
मैं थका हुआ था वापस थोड़ी देर बाद, फिर इधर इस टाइम मैं बाइक का सहारा ले रहा हूँ क्योंकि मेरे जो शूज़ हैं उनके ब्रेक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो इसलिए ये जो मैडम ने रिक्वेस्ट की कि यार आप मेरे साथ आ जाएं, तो बस इनकी रिक्वेस्ट करने की वजह से बस मैं मजबूरन कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ अपनी तरफ से। बकाया तो कोई हिम्मत नहीं थी गिलगित से, क्योंकि पहुँचा था मैं अपना आज मज़े का मौसम हो गया गिलगित बल्तिस्तान का, जिस तरह हम आपको दिखा रहे हैं व्यू, आप देख रहे हैं सारे चारों तरफ पहाड़ियों में इस टाइम की बर्फ़ है। जून का महीना है, ये अल्लाह की कुदरत है जो जून के महीने में बारिशें और मौसम ठंडा होना। थोड़ी देर के बाद ही हम गिलगित सिटी के अंदर इंटर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं बस ये पुलिस जो चेक पोस्ट है सकवार, वहाँ हम पहुँच चुके हैं इसके करीब करीब। वहाँ से आगे हम अभी इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट का हमारा रास्ता होगा, वहाँ से हम इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे उधर। इस टाइम हम चुके हैं तो यहाँ इनके मतलब वो कर रहे हैं, इसके बाद इनकी वो आए हुए हैं तो यहाँ अभी पुलिस जो गाइडर्स हैं यूजर पुलिस हैं उनके पास यहाँ आए हैं, यहाँ आके इनकी वो कर रहे हैं, इनकी हम एंट्री वगैरह करवा रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ से लेके जा रहे हैं यहाँ से इनको। होते हुए पड़ी से निकलते मिनोर के करीब करीब इस टाइम हम लोग पहुंच चुके हैं, तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह हम गिलगित में सिटी के अंदर लैंड करेंगे। तो स्केटिंग करके गिलगित से यहाँ पहुँचे थे, तो अभी हमारे गेस्ट यहाँ पहुँच चुके हैं तो उनको अब हम यहाँ वेलकम किया, उनके साथ अभी हम आ रहे हैं। तो थोड़ा स्वेल भाई तेज चले तो आगे उनको भी लेके आते हैं, उनको भी दिखा देते हैं साथ उनके हमरा हम लोग आए हुए हैं। तो ये मैं आपको पहुँच चुके हैं, बड़ी बुरी हालत हमारी बन चुकी है तो बहुत ज़्यादा टफ सा, तो बड़ी मुश्किल के बाद यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ हमारे प्लेयर्स मेल फीमेल सारे बैठे हैं और यहाँ हमारे प्रेसिडेंट्स और जनरल सेक्रेटरी सदर्स वगैरह सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे।